हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल इशू टेक्निकल्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं पोर्टेबल बाइक वॉशर कैसे बना सकते हैं। इसको हम कहां पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे रेनी सीजन, विंटर सीजन या समर सीजन में कहां पर भी यूज कर सकते हैं। चलो, इसे बनाने के लिए चाहिए आपको एक 12 वोल्ट का मोटर। इसको आप कहाँ से भी बाय कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ही का लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ से जाके बाय कर दीजिए। और पुराने मारुति कार में भी इसको आप दे सकते हैं। ये देखिए कि आपको पता है कि दो बोल्ट रहते हैं आगे और पीछे, और पीछे का एक 12 वोल्ट का इनपुट है। बाद में आपको एक 3 लीटर का कैन जरूरत पड़ेगी। इसको आपको कहाँ बहुत कम से कम एक 1.5 मीटर है इसको जरूरत पड़ेगी। आप इस 3 और आपको एक एमसील, 10 रुपये की एमसील की जरूरत पड़ेगी। एमसील को लेने के बाद आपको अगले प्रोसेस में अगले सीन में बताऊंगा। आपको एक बताना भूल ही गया कि आपको एक वाटर कलर का जरूरत पड़ेगी। ये आपको बच्चे यूज़ करते हैं, दुकान पे भी मिल जाएगा, इसको यूज़ करेगा। और आप पेंसिल को भी यूज़ करते हैं मार्क करने के लिए। चलिए आप इसको बनाते हैं। अभी आपको क्या करना है कि पाइप को सर्कल के पास आपको क्या करना है कि उसको लगाना है। अभी लगा रहा हूँ मैं, उसको लगा रहे ठीक से लगाएं कि कोई कंजूस मत कीजिएगा। लगाने के बाद आपको क्या करना है, कैन के मिडिल साइड में आपको क्या करना है, उसको प्रेस करना है। जोर से प्रेस कीजिएगा क्योंकि उसको सर्कल शेप आ जाए। बाद में आपको क्या करना है कि इस एक ब्लेड लेना है, एक ब्लेड लेना। ब्लेड लेने के बाद आपको उसको सर्कल के पास ठीक से कट करना है। अभी हम कट करते हैं, तब तक के लिए अभी आपको क्या करना है कि स्कैन में इस सर्कल की तरफ होल करना है। आप अच्छी तरह से कट कीजिएगा, हमारा कटिंग थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है। बाद में आपको क्या करना है कि इस पाइप को लेना है। पाइप को लेने के बाद आपको इसके अंदर घुसा देना है। अभी इसमें घुसा रहा हूँ मैं, घुसा देना है। अभी आपको मैं बोला था कि आपको एमसील चाहिए, आपको एमसील इसकी सांप की तरह करना है और आपको उसके बगल में डाल देना है। अभी हम डाल रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ये अभी वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि आपको बगल पे एमसील डालना है। एमसील अभी 100% सूख चुका है। अभी आप एमसील डाल के पाइप को कितना चाहिए उतना कट कर लेना है। बाद में आपको क्या करना है कि एक पुराना सा बैग लेना है, कौन सा भी ले लो, पुराना सा होना चाहिए। होने के बाद हमारा भी पुराना है, वो फट गया है। बाद में आपको कहते हैं 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए। आप चाहिए तो अपना बाइक का बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। आपका बाइक का कवर खोल के आप बैटरी को कनेक्शन भी दे सकते हैं। बाद में अभी मैं मोटर को ऐसे फिक्स किया है, आपको प्लस और माइनस देख के ठीक से फिक्स करना है। अभी आपको मोटर को चला के ही दिखा देता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आपको कितना स्पीड है, मोटर कितना स्पीड है। ये मोटर आपको बहुत जरूर से जरूर मारुति कार में मिल जाएगा। देखिए कि इसमें नॉइस कितना है, अच्छा से चल रहा है। अभी आपको अगला प्रोसेस बता देता हूँ। अभी आपको क्या करना है कि इस टैंक को लेना है, टैंक को धीरे से लेना है क्योंकि वो कट हो जाते हैं। धीरे से लेना है, धीरे से लेने के बाद आपको उसको बैग के अंदर सीधे से घुसा लेना है। ऐसे ही घुसा लेना है आपको, सीधे से घुसा लेना है। घुसा लेने के बाद आपको एक रस्सी लेना है। रस्सी लेने के बाद उसको हैंडल पे, उसके हैंडल पे और बैग का हैंडल पे बांध देना है। ठीक से बांध दीजिएगा, कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि बाद में वो अंदर ही गिर जाएगा और पानी मत बाहर आएगा। ठीक से बांध दीजिएगा वो, क्योंकि अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा। आपको बोला था कि इसको टार से बांध दीजिएगा, अभी हम बांध चुके हैं और इसको पाइप को मोटर से बहुत कस के पकड़ के रखा है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से एक वायर कट कर दीजिएगा, ऐसे ही कट कर दीजिएगा क्योंकि आपको स्विच डाउन होने में बहुत आसानी होगी, नहीं तो आप तो दो वायर लगा देते तो मोटर चालू होगा। बाद में आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ एक, आपको बोला था कि 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए, उसका ऐसे ही है तो आपका बैटरी ऐसे है तो उसका नट लूज कीजिएगा। लूज करने के बाद आपको क्या करना है,
ये वायर को रेड को प्लस में डालना है, बाद में ब्लू को माइनस में डालना है, रेड को प्लस में डालना है और ब्लू को माइनस में डालना है। अभी हम डाल रहे हैं, अभी हम डाल भी चुके हैं, थोड़ा टाइट भी कर लेते हैं क्योंकि आगे से कोई भी परेशानी मत नहीं होगी। आपको एक जरूरी बात बोलनी है कि आपको एक दकनदार कैन लेना है, उसको दकनदार कैन में आपको एक होल करना है क्योंकि एयर अंदर जाने के लिए, नहीं तो आपका पानी बाहर नहीं आएगा और प्रेशर नहीं होगा। अभी आपको उसके कैन को ले लेना है, लेने के बाद आपको पानी भरने के बाद आपको क्या करना है कि अभी हम पानी भर लेते हैं, अभी पानी भर लेते हैं, अभी हम पानी भर लेते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो। अभी हमारा सभी ऑपरेटर सभी हम सेट कर चुके हैं, अभी देख सकते हैं कि इसमें पहना है। अभी हम चलते हैं, अभी हम बाहर चलते हैं, अभी हम टेस्टिंग के लिए जरूर से जरूर बाहर आ चुके हैं। देखेंगे कितना अच्छे से प्रिंकल स्प्रिंकल हो रहा है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर से लाइक दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।